प्रधानमंत्री कार्यालय ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली सीधी नकदी हस्तांतरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रियों को जुट जाने को कहा। इस मकसद के लिए आधार नामांकन में तेजी लाने के लिए शिविर आयोजित करने को कहा। सरकार ने नए साल में विकास को दर्शाने वाला वार्षिक कैलेंडर किया जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आम आदमी तक सीधे लाभ पहुंचाने वाले प्रयासों पर दिया जोर। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक की आज से शुरू होने वाली भारत यात्रा से पूर्व भारत की ओर से 26/11 के आतंकी हमले को लेकर जवाबदेही तय करने में हीला हवाली को लेकर जताई गई निराशा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उठाई पाकिस्तान से मुंबई हमलों की त्वरित सुनवाई और हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का मामला। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भूमि अधिग्रहण विधेयक के पारित होने के एक दिन बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों की गति में तेजी लाने और निवेशकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाएगी और भी कदम। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। सोनिया गांधी ने गांधीनगर में रैली को किया संबोधित, तो राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद से 3D सुविधा के माध्यम से 53 स्थानों पर सभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ने अभियंताओं से पर्यावरण अनुकूल और सस्ती तकनीक के विकास का आह्वान किया ताकि गरीबों को मिल सके लाभ। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का भी आह्वान। पदोन्नति में आरक्षण विधेयक का मामला गरमाया। समाजवादी पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी विधेयक के विरोध में हड़ताल पर गए। सरकार का कहना है कि एसटीएससी वर्गों में पदोन्नति में आरक्षण देने से किसी अन्य वर्गों का नहीं होगा नुकसान। संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा की कैप होगी, उसी के अंदर मिलेगा आरक्षण। समाजवादी पार्टी ने आज सरकार पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। उच्चतम न्यायालय ने कारगिल युद्ध के नायक रहे शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता की अर्जी पर केंद्र सरकार को किया नोटिस जारी। एनके कालिया ने कैप्टन सौरभ कालिया को टॉर्चर किए जाने का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में उठाने की याचिका दी थी। कैप्टन सौरभ कालिया को कारगिल युद्ध में 1999 में युद्ध शुरू होने पर पाकिस्तान सेना द्वारा गिरफ्तार करने के बाद टॉर्चर देकर मार दिया गया था। इसराइल में चुनाव होने से महज 5 सप्ताह पहले विदेश मंत्री विक्टर लिबरमैन पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप। लिबरमैन ने कहा कि वे इन आरोपों के खिलाफ लड़ेंगे और अपने वकीलों से सलाह के बाद ही इस्तीफा देने पर करेंगे विचार। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा समर्थित मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और धर्मनिरपेक्ष विपक्ष ने निर्णायक नए संविधान को लेकर किया जोरदार प्रचार। जनमत संग्रह के समर्थकों ने एक वीडियो भी जारी किया। उधर विद्रोही ऑनलाइन कैंपेनिंग कर रहे हैं और संविधान के विरोध में वोट देने की अपील कर रहे हैं। संविधान पर जनमत संग्रह शनिवार से होगा। सीरिया में बीते 21 महीनों से जारी हिंसक संघर्ष में सीरिया सरकार के साथ खड़े रहे रूस ने कहा कि इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हो सकती है। रूसी विदेश उपमंत्री ने असद शासन के हारने की आशंका जताई। पहली बार रूस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस तरह का बयान दिया है। नागपुर में चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली पारी में बनाए 330 रन। भारत के लिए लेग स्पिनर पीयूष चावला ने चटकाए 4 विकेट। भारत की खराब शुरुआत, सहवाग शून्य पर हुए आउट। आज शोमैन राज कपूर की जयंती है। भारतीय सिनेमा के शोमैन ने कई यादगार फिल्में बनाई और अपने अभिनय का जादू बिखेरा। उन्होंने हिंदी सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत अनेक जगहों पर हुआ ताजा हिमपात। हिमपात से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। समूची घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी। हिमाचल के मनाली में भी हुई बर्फबारी।